तो दोस्तों सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, फैंस उतने ही ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई बार पठान ट्रेंड भी करते रहते हैं। लंबे समय के बाद शाहरुख खान के फैंस किसी फिल्म को देखने के लिए तैयार हैं। हालांकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण पठान की शूटिंग रोक दी गई, लेकिन अब अनलॉक की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कर दी गई। शर्तों के साथ फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू होगी। ऐसे में खबर सामने आई है कि शाहरुख खान की पठान की शूटिंग भी 21 जून से शुरू होने वाली है। फिल्म जहां से बंद हुई थी वहीं से इसका काम शुरू होगा। इसके बाद शाहरुख खान के फैंस काफ़ी खुश हैं। उनका ऐसा मानना है कि इस साल उनको फिल्म देखने को मिल जाएगी। कई फ्लॉप फिल्मों के बाद शाहरुख खान को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं। शाहरुख खान को अपने करियर के पतन का पहला झटका लगा था फरहान खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के साथ। फिल्म भले ही शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग के कारण बॉक्स ऑफिस पर राज कर गई, लेकिन शाहरुख के काम की और पूरी फिल्म की खिल्ली उड़ाई गई थी। हालांकि इस फिल्म में शाहरुख खान के सामने जॉन अब्राहम है और वो दमदार विलेन का किरदार निभा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म पठान शाहरुख खान के करियर को फिर से पटरी पर ले आएगी। दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म का तो देखना ये होगा कि शाहरुख खान की ये फिल्म उनकी बाकी फिल्मों की तरह लोगों के दिलों में राज कर पाएगी या नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देता हूँ इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो।